dear student, welcome to my channel Economics Study Point. Under this video, I will discuss syllabus for UGC NET, NTA UGC NET, that is National Testing Agency, University Grant Commission, National Eligibility Test. Okay, UGC NET examination is conducted by NTA twice in a year. साल में इसकी परीक्षा दो बार होती है और कौन कंडक्ट करता है? NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो यूनिट वन का डिस्कस किया था. यूनिट वन में मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताया था. आज का वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा सिलेबस फॉर यूनिट टू मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस. इट हैज 12 कंटेंट. I have already written this content and I will also tell from where you can get study material. I mean to say that which book is better for you to prepare better preparation of unit 2 macroeconomics. Okay, so let us start. So unit 2 में आज हम लोग देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का. ठीक है, तो मैं पहले ही बता देता हूं कि दो तरह का मैं बुक बनाऊंगा. एक बेसिक लेवल का बुक होगा, ठीक है, बेसिक लेवल का, और दूसरा होगा एडवांस लेवल का. ठीक है, तो पहले हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं बुक का, उसके बाद इसमें कंटेंट पढ़ाएंगे. तो HL आहूजा बेसिक लेवल का बुक आप ले सकते हैं, आहूजा. ठीक है, टाइटल ऑफ बुक इज मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, ये बेसिक लेवल का हो गया. और अगर एडवांस लेवल का भी आप दोनों को मिक्सअप करके अगर पढ़ोगे तो बेटर प्रिपरेशन कर पाओगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का. तो इसमें है प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. बाय एन ग्रेगरी मैन क्यूब. ये एडवांस लेवल का बुक है. तो पहला कंटेंट नंबर वन में हम लोग आते हैं नेशनल इनकम कंसेप्ट एंड मेजरमेंट. कैसे नेशनल इनकम को सबसे पहले हमको सीखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द नेशनल इनकम, हाउ इट कैन बी मेजर, पहला कंसेप्ट है. इसके लिए बेसिक लेवल पर आप यू कैन गो फॉर HL आहूजा मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स कर सकते हैं. अगर एडवांस लेवल में जाना है तो मैंने ऑलरेडी बताया हूं प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एन ग्रेगरी मैन क्यू. ठीक है, वहां पर वो दिख नहीं रहा होगा, यहां पर ये राइटर का नाम है, बुक का टाइटल है प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. दूसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट. तो दो बेसिक अप्रोच लेके चलना है. क्लासिकल अप्रोच में क्या कहता था ओल्ड इकोनॉमिक्स के, फिर कैंसियन जो 1932 में आया उनका कुछ दूसरा अप्रोच था आफ्टर ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929. ठीक है, तो कैंसियन ने कंसेप्ट को बदला. तो दोनों में डिफरेंसेस करके कंपेरेटिव स्टडी करना पड़ेगा दोनों में क्या डिफरेंसेस था, सिमिलरिटी था क्लासिकल एंड कैंसियन अप्रोच में. उसके बाद है कंजप्शन फंक्शन. ठीक है, इसमें कंजप्शन फंक्शन में आप बेसिक लेवल में भी जा सकते हैं, दोनों बुक्स में मिल जाएंगे ये चीज. उसके बाद है इन्वेस्टमेंट फंक्शन. ठीक है, उसके बाद है मल्टीप्लायर एंड एक्सीलरेटर. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. ये इससे मेजर क्वेश्चन आता है इस यूनिट के अंतर्गत. 10 क्वेश्चन आएगा इससे. ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स करेगा, यानी आपको काफी यूजफुल होगा इसकी प्रिपरेशन. ठीक है, डिमांड फॉर मनी, सप्लाई फॉर मनी, आईएसएलएम
मॉडल अप्रोच किसने किया था, एक सैंडहसन ने किया था ये अप्रोच, ये 6, 7, 8 भी बहुत धीरे आई है, ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आता है। नेशनल इनकम से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, अगर नेशनल इनकम पर पूरा अगर कंप्लीट स्टडी आपको करना है तो इग्नू का बीए का इग्नू बीए इकोनॉमिक्स का मैटेरियल है नेशनल इनकम अकाउंटिंग, उसको पढ़ लीजिए, पेपर ही है, तो आपको बहुत अच्छा क्लियर आइडिया हो जाएगा नेशनल इनकम के बारे में, जो भविष्य में भी काम आएगा। उसके बाद इन्फ्लेक्शन एंड फ्लिप्स कर्व, ये इजी टॉपिक है, आराम से आप कर सकते हैं, इस पर भी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। फिर बिजनेस साइकिल से भी आता है क्वेश्चन, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी आप यहाँ पढ़ोगे, फिर इंडियन इकोनॉमिक्स में भी हेल्पफुल होगा, वहां पर आपको अप टू डेट होना पड़ेगा, ठीक है, जिसके लिए आप कोई भी अप टू डेट के लिए इंडियन इकोनॉमी में प्रतियोगिता दर्पण सीरीज का भी आता है काफी। फिर उसके बाद है रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस एंड इट्स क्रिटिक, ठीक है, रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस क्या है, इसका क्या आलोचना किए गए, क्रिटिसाइज किया गया है, तो आपको आप एचएल आहूजा से पहले तैयारी कीजिएगा बेसिक लेवल, अगर आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड नहीं है तो एचएल आहूजा में सारा चीज ये मिल जाएगा। अगर आपको एडवांस लेवल का स्टडी करना है तो प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बाय एम ग्रेगरी मैनक्यू वाला भी बुक में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप, हाँ एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, इससे ये 12 कंटेंट है अंडर द यूनिट 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स, अगर कोई कंटेंट आपको डिफिकल्ट होते हैं, यू फील अनकंफर्टेबल टू लर्न एंड टू अंडरस्टैंड, यू कैन व्हाट्सएप मी एट दिस नंबर, डेफिनेटली आई विल मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक यू सजेस्ट मी अंडर यूनिट 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप एवरीबडी got the thing I wanted to tell you under this video, and if you come first time at my channel, please subscribe my channel in order to get video like this, and thanks for watching my video till end. Jai Hind.